वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट हो गया है और मैं हूँ किचन में। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:30। बच्चे सब स्कूल चले गए हैं और मेरा अभी घर का पूरा काम पड़ा हुआ है। घर की साफ सफाई पड़ी है, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि हाउस हेल्पर नहीं आ रही है। वो 3-4 दिन की छुट्टी लेके चली गई है, तो बड़े ही आराम आराम से काम हो रहा है। चलो अपने आप करना रहता है तो बहुत आराम आराम से काम करती हूँ मैं। और थोड़ा एक्स्ट्रा काम ही निकल आता है, हर चीज़ की डीप क्लीनिंग होने लगती है। चलो एक्स्ट्रा जब मैं ये सफाई कर रही हूँ तो चलो ये भी सफाई कर लूँ थोड़ा सा, और ये भी साफ़ कर लेती हूँ तो और अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो बस यही सब रहता है। तो पहले मैं आ गई हूँ किचन में, और क्योंकि बना रही हूँ मैं चाय और अपने लिए आलू का पराठा, क्योंकि बच्चे भी आलू का पराठा लेके गए थे तो वही मैं भी ब्रेकफास्ट कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं अपना पेट पूजा कर लेती हूँ, अपना खाना पीना खा लेती हूँ, पेट भर लेती हूँ, उसके बाद से मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से आप लोगों से फेस टू फेस बात नहीं हो पाई थी। तो मैंने कहा चलो बस अब बहुत हो गया, अब आज तो मैं बात करूँगी ही करूँगी। तो इस वजह से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, और साथ साथ में अब मैं अपना आप लोगों को काम भी दिखाती रहूँगी, अपना क्लीनिंग भी दिखाती रहूँगी। और आप लोगों को मेरी क्लीनिंग बहुत ही अच्छी लगती है ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट्स के थ्रू। और ऐसे ही आप लोग कमेंट्स करते रहिए, और मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जैसे ही आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे जैसे लगता है मेरा पूरा दिन बन गया है, और एक खुशी सी मन में पूरे टाइम बनी रहती है। इसलिए आप लोग अपना सपोर्ट कमेंट के थ्रू बनाए रखिए, और वीडियो यार ज़रा सा भी अच्छा लग जाता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, क्योंकि लाइक करने में तो कुछ जाता है नहीं, बस एक मोटिवेशन हम लोगों को मिल जाती है थोड़ा और अच्छा करने की। तो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपके मन करे तो। तो इतना तो बोल ही सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना काम। Thank you.
ड्राइंग रूम मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है और अब मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में और मैं यहाँ पे अपना बेडशीट बिछा रही हूँ। तो उसके पहले मैंने गद्दे को जो है उलट पलट दिया है, नीचे का गद्दा ऊपर कर दिया है जिससे गद्दा हमारा दबे ना एक तरफ से, और पीछे मैंने मशीन लगाया हुआ है और साथ साथ मेरे कपड़े भी साफ़ हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ गई हूँ अपने दूसरे कमरे में जो कि काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना जो एक्स्ट्रा वूलन कपड़े हैं उनको मैं रख देती हूँ अब, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हो रही है। तो बस एक एक दो दो स्वेटर सबके मैं बाहर रखूँगी, ताकि अभी ठंड वैसे है तो पूरी फरवरी और आधी मार्च तक तो ठंड रहेगी ही, तो बस वही स्वेटर से काम हो जाएगा। और अब इनर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जो मोटे मोटे सॉक्स हैं, ग्लव्स हैं, कैप है, इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उनको सब मैं रख दूँगी। और यहाँ मैंने इसमें अपनी वूलन कुर्तियाँ, स्टॉल वगैरह सब कुछ रख दिया है, क्योंकि अब वेदर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है और वूलन कुर्तियाँ तो बिल्कुल सहन नहीं होती हैं बॉडी में। तो ये इस बैग में मैं अपने जो है बच्चों के जो है स्वेटर वगैरह सब कुछ रखती हूँ, तो सारे स्वेटर एक्स्ट्रा थे उनको मैंने रख दिया। और यहाँ मैं वूलन जो सॉक्स हैं मोटे वाले उनको भी मैं रख दे रही हूँ, तो काफ़ी जगह खाली हो जाएगी और ऐसे तो पूरा भरा रहता है कबर्ड यहाँ का। तो सब कुछ मैंने अपना स्वेटर रख लिया है, और ये बैग और जो मैंने ट्रॉली बैग था उसको दीवान जो मेरा बेड है दीवान वाला उसमें मैं रख देती हूँ। और यहाँ मैंने झाड़ू भी लगा लिया है पूरे घर भर में, उसके बाद से मैंने अपना बर्तन भी क्लीन कर लिया है। तो ये देखिए ये मेरा किचन क्लीन हो गया है सब कुछ अच्छे से, बर्तन भी धुल चुके हैं, काउंटर टॉप वगैरह सब कुछ क्लीन हो गया है, पूरा घर मेरा क्लीन कर लिया है मैंने। और पोछा नहीं लगाया है, सिर्फ मैंने झाड़ू ही लगाया है, क्योंकि पोछा मैंने कल लगाया था तो रोज़ रोज़ मैं पोछा नहीं हो पाता है मुझसे, तो बस मैंने अच्छे से झाड़ू कर लिया है और इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं रहता है। अगर मैं एक दिन पोछा लगा देती हूँ तो अगर दूसरे दिन मैं ना लगाऊँ फिर भी चल जाता है। तो यहाँ मेरा सारा काम अच्छे से हो गया है, तो इसी तरह से मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ जब मेरी हाउस हेल्पर नहीं रहती है, तो बस ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ। फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, तो अब मैं हो गई हूँ रेडी नहा धो के, मेरा सारा काम अच्छे से हो गया है, सब कुछ हो गया है, और जैसा कि मैंने अभी दिखाया आप लोगों को अपने वीडियो में, तो अब मैंने शावर ले लिया है और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1:30, और अब टाइम हो गया है मेरा स्कूल जाने का बच्चों को लाने का। तो छोटे वाले बेटे का आज जल्दी छुट्टी हो रही है, वैसे तो उसका 3 o'clock पे होती है छुट्टी, लेकिन आज 1:30 पे ही छुट्टी हो जाएगी। तो मैंने शॉवर ले लिया है आज, और आज मैंने डाला है ये कुर्ती। तो ये कुर्ती बहुत ही खूबसूरत लगती है मुझे, नेवी ब्लू कलर का है, फ्लावर प्रिंट का है, और पर्सनली ये कुर्ती मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये सेकेंड टाइम मैं पहन रही हूँ। और इसके नीचे मैंने पहना है प्लाजो, दिख नहीं रहा है अभी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किसी तरह, अभी अपना फ़ोन एडजस्ट करती हूँ उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 9:30, डिनर वगैरह सब कुछ हो गया है, और पीछे जो है बेटा मेरा वो है टीवी देख रहा है, तो आप लोगों को थोड़ी सी आवाज़ भी आ रही होगी तो उसको इग्नोर करिएगा। और आज मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, तो मेरे चेहरे से भी आप लोगों को लग रहा होगा। तो दोपहर के बाद से फिर मैं चली गई थी, चूँकि स्कूटी का वो इंश्योरेंस उसका रिन्यू करवाना था, तो मैं वहाँ पे शोरूम चली गई थी जहाँ से मैंने स्कूटी ख़रीदी थी, फिर मैंने उसका इंश्योरेंस रिन्यू करवाया, उसका डेट पूरा हो रहा था। उसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि और ज़्यादा हिम्मत नहीं हो रही थी कि और मैं व्लॉग करूँ, और आज मैंने अपनी कोई कुकिंग भी ऐड नहीं की, क्योंकि बहुत ही जल्दबाजी में मैंने खाना बनाया था। और आज लंच में मैंने बनाया था निमोना और चावल, जो कि मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मैंने बहुत जल्दबाजी में बनाया, काफ़ी लेट हो रहा था, तो किसी दिन और दिन मैं शेयर कर लूँगी। वैसे मैं अपनी कुकिंग शेयर नहीं करती हूँ, तो मुझे भी बड़ा बुरा लगता है आप लोगों के साथ मैं अपनी कुकिंग शेयर ना करूँ, तो चलिए मैं किसी और दिन शेयर करती हूँ। अब और ब्लॉग मुझसे कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का करती हूँ एंड। और ज़रा सा भी अच्छा लगा है ये ब्लॉग मेरा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियो आप लोग देख सकें, और जो नोटिफिकेशन
का बेल है उसको भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करके रख लीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिस आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, बाय, लव यू ऑल।